अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीपीओ फैसलाबाद ने अफसरान में दौरान तफ्तीश होने वाले अखराजात बजरिया क्रॉस चेक तकसीम किए। सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि तफ्तीश के दौरान होने वाले अखराजात के नाम पर शहरियों से कोई रकम ना ली जाए। सीपीओ फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर ने डिविजनल कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का दौरा किया। हस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए दस्तयाब सहूलियात और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। उन्होंने गुलाम मोहम्मदाबाद गर्ल्स स्कूल में एहसास इमदाद प्रोग्राम मरकज का दौरा भी किया। खवातीन को माली इमदाद की तकसीम, ड्यूटी और दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया। फैसलाबाद पुलिस का जुआ माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। दाव पर लगी रकम और 52,000 रुपए मालियत के मोबाइल फोन बरामद, मुकदमात दर्ज। कसूर में खवातीन से एहसास प्रोग्राम की रकम हथियाने वाले दो मुलजमान गिरफ्तार। SHO ए डिवीजन वहीद आरिफ ने दोनों मुलजमान के कब्जे से 9,000 रुपए बरामद कर लिए। कसूर पुलिस ने जिला भर में एहसास प्रोग्राम मराकज पर धोखा दही करने वाले 16 मुलजमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किए हैं। बहावल नगर फोर्ट आबास एहसास प्रोग्राम सेंटर पर पुलिस अफसरान का दिल को छू लेने वाला वाकया। पुलिस अफसरान ने उम्र रसीदा और पांव से माजूर बुजुर्ग खातून को कुर्सी पर बिठाकर रकूम की तकसीम वाले डेस्क पर पहुंचाया। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने इस अमल को सराहा और बहावल नगर पुलिस को खैराज तहसीन पेश किया। मुजफ्फरगढ़ कातिल डोर और पतंग बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। SHO थाना सिविल लाइंस इफ्तिखार मलकानी ने हजारों रुपए मालियत की पतंग और कातिल डोर को आग लगाकर तल्फ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब राना शोएब महमूद का जौहराबाद और कायदाबाद में कायम एहसास कफालत प्रोग्राम मराकज का दौरा। DPO खुशाब ने मुख्तलिफ मराकज की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम चेक किए और मजीद बेहतर करने के लिए जरूरी हदायत दी। उकाड़ा थाना सदर पुलिस ने डकैत गैंग के सरगना साजिद उर्फ साजू को 4 मुलजमान समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में साजिद उर्फ साजू, सरवर मोहम्मद अफजल और अली शामिल। मुलजमान से 9,00,000 रुपए से जायद मालियत का सामान, नकदी और नाजायज असलहा बरामद, 16 वारदातों का इंकशाफ, मुकदमात दर्ज। चकवाल पुलिस फोर्स के मुलाजमीन ने एहसास कफालत प्रोग्राम में इमदाद के हसूल के लिए आने वाली बुजुर्ग खातून की मदद की। खुशाब पुलिस खदमत का जज्बा लिए आवाम के तहफ्फुज के लिए कोशिश। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.pscaa.tv।